शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में सात्विक व्यंजन द प्योर फूड शो। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ है हमारे प्यारे विष्णु दीदी जी, जो हमें सिखाएंगे कोई नई रेसिपी। आइए उनसे पूछते हैं आज उनके खजाने में क्या है। विष्णु दीदी, ओम शांति। आज जो है हम आप सभी के लिए स्पेशल जो डिश लेके आए हैं उसका नाम है जाल फ्रेजी। तो आपने देखा विष्णु दीदी, आज हमें शाही खाने की एक सब्जी सिखाने वाले हैं, जाल फ्रेजी। आइए उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फ्लावर रखा है, गोभी, शिमला मिर्ची येलो कलर, शिमला मिर्ची ग्रीन कलर, आलू, फंसी, मटर, गाजर, टमेटे का प्यूरी, मक्खन, पनीर खमन किया हुआ रखा है, और मसाला बादशाह मसाला जैसे होता है गरम मसाला, और टम नमक, ये सब हम सामग्री जो है धुलाई करके कटिंग करके रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बटर डाला जा रहा है। ये जो सब्जी हम बनाने वाले जाल फ्रेजी, उसमें जो है तेल भी यूज कर सकते हैं, मक्खन भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो, और बॉयल भी बना सकते हैं। तीन प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आज हम आपको मक्खन में कैसे बनाते हैं वो दिखा रहे हैं। ऑब्वियस है मक्खन में ज्यादा ही टेस्टी बनता होगा। सब्जियां सबसे पहले जो है ना उसको हमको भुनना है इसके अंदर। तो आपको ये सब पता रहे हैं कि कांदा लहसुन बिगर सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। तो हम सबसे पहले जो है ये जो गोभी हमने खमण करके रखा है यहाँ पर, फूल गोभी जो पत्ते गोभी जो होता है उसको खमण करके रखा है, और ये गोभी जो है इसके अंदर मक्खन जो डाला है ना उसके बाद हम जो है उसको भुनने के लिए डालेंगे। बिल्कुल ही फाइनली चॉप करके रखा गया है कैबेज, उसे आपको डालना है। ये जो गोभी जो है ना ये खास स्पेशल, जैसे लोग कांदा लहसुन बगैर बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए हम आपको एक बात बता दें कि गोभी को हर वक्त पहले भुन लेने का, तो उसकी खुशबू भी जो है ना वो कांदे की जैसे आपको लगेगा, क्योंकि कांदा लहसुन जो है वो हम नहीं पकाते हैं। तो इसके लिए उसको जो है गोभी को थोड़ा सा ब्राउन कलर की भुन लेने का। भुना हुआ गोभी के अंदर हम फिर सबसे पहले जो है ना कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्ची, हरी शिमला मिर्ची जो है वो हम डालेंगे उसके अंदर। इसे भी बिल्कुल ही फाइनली चॉप किया गया है, इसे भी आप डाल सकते हैं। तो अभी हम जैसे ये सब ये हमारा भुन गया है, अभी देखेंगे आप थोड़ा सा कलर, थोड़ा थोड़ा कलर आ गया है। हाँ, तो जब कलर आ जाता है ना तो उसके बाद सभी चीजें जो सब्जियां जो है वो हमको इसके अंदर डालते जाने का है। इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले फ्लावर डाला, फिर शिमला मिर्ची जो हमने भुना था वो भी, और फिर उसके बाद जो है मटर और फंसी, आलू गाजर जितनी भी सब्जियां हमने काट के रखी है वो इसके बाद एक के बाद एक डाल देंगे। वेरी सिंपल, जैसे ही आपका गोभी और आपकी हरी शिमला मिर्ची ब्राउन होने लगे तो बाकी की सब्जी आप एक के बाद एक डाल सकते हैं। नो पर्टिकुलर ऑर्डर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये हम येलो कलर का शिमला मिर्ची, बिल्कुल ही अट्रैक्टिव कलर यहाँ से नजर आ रहे हैं, येलो व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, देखते ही खाने का मन हो जाए। अभी इसके अंदर जो है हम नमक थोड़ा सा डाल के रखेंगे इसके अंदर। नमक जो है वो पकने के लिए सहज होता है और जल्दी पकता है,
तो हमको नमक स्वाद अनुसार डालने। अभी इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी, ऐसे पानी कम पड़ता है क्योंकि मक्खन अगर ज़्यादा डालेंगे तो पानी कम पड़ता है। अभी हमने मक्खन कम डाला है इसलिए पानी थोड़ा सा ऐसे भून के डाला। बस बस तेल और मक्खन जो है अगर हम ज़्यादा मात्रा में डाल के बनाते हैं तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी इसको जो है हम पकाने के लिए रख दिया है। हम जो है 10 मिनट इसको बाफने के लिए, पकाने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे। तो ये 10 मिनट जो हमने यहाँ रखा है पकाने के लिए, ये हमारा अभी पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही 10 मिनट हो जाए या उसके पहले भी शायद, जैसे ही आपकी सब्जी सॉफ्ट हो जाए, गलने लग जाए, यानी आपकी सब्जी रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर जो है वो टमाटे के टुकड़े भी थोड़ा काट के रखने का, थोड़ा सा टमाटे के टुकड़े जो है वो हम डालेंगे, थोड़ा खटा टमाटो, थोड़ा खटास आवे उसके लिए। ये जो है जान फ्रेजी की जो सब्जी है ना, वो जितना मक्खन में पकता है ना उतना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमको थोड़ा सा, आप सभी मक्खन में ही स्पेशली ट्राई कीजिएगा। हाँ, अगर कोई डाइट है तो फिर आप बेक करके खा सकते हैं। अभी जैसे टमाटा हमने डाला है तो थोड़ा सा उसको 2-3 मिनट ऐसे पकाने के लिए वापस ढक्कन लगा देंगे। 2 मिनट ऐसा हम पकाने रख सकते हैं और फिर जो है जाल फ्रेजी जो है वो जाल फ्रेजी हम जो है बनाएंगे ना, तो उसमें सब वेराइटी डिजाइन से बनाएंगे, अलग अलग लेयर्स लेयर्स। 2 मिनट जो है हमारे अभी रेडी हो गया, रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा है ना ऐसा थोड़ा सा ऐसे दबा लेने का, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट आपस में मिल जाए। कोई भी सब्जी जो है ना वो आंखें आंखें ऐसे नहीं रहनी चाहिए, उसे थोड़ा स्मैश कर दे या उसे थोड़ा ज्यादा स्टर कर दे, जैसे प्यार और स्नेह जो होता है ना वो जैसे घुल मिल जाए, घुल मिल जाता है। बिल्कुल ही सब्जी में भी वैसे ही प्यार और स्नेह घुल मिल जाना चाहिए। ऐसे ही प्रभु की याद में भी जो है ना हमें ऐसा घुल मिल जाना चाहिए, जिससे प्रभु ऑटोमेटिक हमको याद आए। कोई भी चीज़ बनाते तो जैसे घुल मिल जाता है और उसको जैसे मक्खन डालते हैं टेस्टी बनाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा की याद भी जो है ना वो ऐसी चीज़ है। सब प्रकार की कलर्स जैसे अपनी आँखों को अच्छा लगता है, इसी प्रकार परमात्मा की याद भी जो है ना वो अलग अलग प्यार से, अलग अलग ढंग से हम याद कर सकते हैं उसको। ये देखो ये हमारा जो है अभी पक गया। अभी हम इसको जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर पनीर हम डालेंगे, आधी पनीर जो है इसके अंदर डालेंगे और आधा जो है सजाने के लिए रखेंगे। इसी प्रकार ये पनीर बना के बिल्कुल ही स्मैश करके रखा हुआ है। हाँ, पनीर फाड़ के और फिर उसको रखा है करके रखा। और फिर ये जो प्योरी टमाटे का जो है वो भी हम आधी इसके अंदर डालेंगे और आधी जो है डिजाइन बनाने के लिए रखेंगे। विष्णु दीदी, आज आप हमारे दर्शकों को टमाटो प्यूरी कैसे बनाया जाता है वो बता सकते हैं? हाँ, वो बहुत इजी है। टमाटे की जो प्यूरी बनाया जाता है वो सबसे पहले हम टमाटे को जो है धुलाई करके, कटिंग करके मिक्सर में पीस लेने का, और मिक्सर में पीस के मिक्सर में फिर थोड़ी सी तेल के अंदर हम जो है वो टमेटे को हम डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से भून लेने का टमेटे को। और टमेटे को भूनने के बाद उसका कलर जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ी सी समझो मीठा अगर पसंद है तो थोड़ा शक्कर ऐसा डाल के उसको प्यूरी हमको बना के रख सकते हैं। ऐसा तो आप देख सकते हैं प्यूरी बनाना काफ़ी ईजी है।
इट इज जस्ट लाइक टोमेटो ग्रेवी. ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, आप उसे घर पे लाकर भी बना सकते हैं. अभी ये जैसे हमारा सब्जी जो है ना अभी पूरी रीति से रेडी हो गया. अभी आधा इसके अंदर हमने डाला प्यूरी और पनीर. और अभी हम जो है बर्तन के अंदर कैसे लहरें बनाएंगे, लहर वो दिखाएंगे. तो हमने जैसे ये बर्तन अभी किया है तो इसके अंदर जो है हम ऐसा एक लहर बनाएंगे. ये जो है ऐसा हमको इसको जो है हम अलग अलग रीति से ना बेक कर सकते हैं. आप बोल रही है ओवन में बेक कर सकते हैं? हाँ, ओवन में, माइक्रोवेव में, हम दोनों प्रकार से बेकिंग कर सकते हैं. अभी जैसे ये हमने ये डाला, उसके बाद ये टमाटे की प्यूरी का उसका कोटिंग करेंगे. ये जैसे टमाटे का बना हुआ है ना, उसमें खट्टा और मीठा दोनों भी है, तो ऐसा हमको रख देने का. और फिर पनीर जो है उसको भी हम डाल देंगे. अभी ऐसा बनने का फिर वापस हम सब्जी लेंगे. अब देख सकते हैं लेयर बनाना काफी सिंपल है. विष्णु दीदी जी सिर्फ सब्जी को डाल के उसके ऊपर टमाटो प्यूरी का थोड़ा सा लेयर बना के फिर उसके ऊपर फिर से पनीर से उसे डेकोरेट कर देती है. सब प्रकार से सब जगह पर आना चाहिए तो उसकी जो निकलेगी ना तो उसकी डिजाइन भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा. अभी इसके अंदर जो है अगर हमको स्पाइसी खाना है तो उसके अंदर हम जो है मसाले भी सब वेराइटी डाल सकते हैं. उसके अंदर बन जाने के बाद मिर्ची भी डाल सकते हैं इसके अंदर अलग अलग टेस्ट के हिसाब से. जैसे हमने अभी ये फीका जो बनाया है इसके अंदर अभी इसके अंदर जो है वो हम वापस टमाटे की ग्रेवी का करेंगे. तो आपने बिल्कुल ही प्यार से पूरे तीन लेयर बना दिए सब्जी के. ये जो है ना ग्रेवी जो है ना वो खट्टा मीठा टेस्ट लाता है. और ये पनीर जो है एक्चुअली इसके अंदर चीज पड़ता है. खास हेवी डिश अगर बनाना है अगर आपको तो उसके लिए चीज जो है बाहर मिलता है अलग प्रकार के, उसे कमल को स्मैश करके रखना. अभी जो है हम ये इसको ऐसा इस रीति से सजा लेंगे.
जितने ही प्यार से विष्णु दीदी हमारे खाना बनाते हैं उतने ही प्यार से वो डिश को भी सजाते हैं ताकि ऑटोमेटिकली खाने का मन हो जाए आपको। तो ये हमारा जो डिश है सज गया, ये देखो हमारा जाल फ्रेजी बन गया। तो आप देख सकते हैं आप जाल फ्रेजी बिल्कुल शाही डिश शाही तरीके से प्रिपेयर की हुई है और वो रेडी हो चुकी है। और ये जो जाल फ्रेजी जो है ना इसको बेक माइक्रोवेव में बेकिंग करते हैं और वो भी जो है जितना पावर मतलब जैसे केक कैसे बनता है कलरफुल जैसे इस टाइप का ये जो पनीर जो है ना वो पूरा डार्क कलर आ जाएगा। तो डार्क कलर आने तक हमको बेकिंग करने का, तो बेक करने से ये जो सब चीज़ें हमने डाली है तो उसकी जो टेस्ट है ना भुन के जैसे बहुत अच्छा और जाती है और डाइट लोगों के लिए भी वो ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं आप जाल फ्रेजी को ओवन में भी बेक कर सकते हैं टू मेक इट मोर टेस्टी। तो आपने देखा सब्जी तो बिल्कुल ही रेडी हो गई। हम पूछते हैं विष्णु दीदी से इसे कैसे खाया जाता है, किस चीज़ों के साथ खाया जाता है। विष्णु दीदी सब्जी जो है ना ये खास स्पेशल जाल फ्रेजी की सब्जी के साथ त्रिकोणी परोठे बनते हैं और उसके साथ कढ़ी, जैसे कढ़ी जो है ना वो छाछ की कढ़ी होती है और बहुत वेराइटी की कढ़ी बनते हैं अलग अलग प्रकार की। तो कढ़ी जाल फ्रेजी और परोठा ऐसे तीनों को मिला के पूरी शाही डिश की मेनू आपके सामने है। आप तीनों चीज बना के सर्व कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही परमात्मा की याद में टेस्ट करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है, आपने देखा होगा मैंने बहुत ही बड़ा स्पून खा लिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही द वर्ड शाही जिसे आप बोलते हैं बिल्कुल ही वैसा टेस्ट आएगा आपको। प्लीज़ प्लीज़ डू ट्राई दिस। अपने रिलेटिव्स को आप ये खिला सकते हैं जब भी वो डिनर पे आते हैं आपके वहाँ, आई एम श्योर वो इम्प्रेस हो जाएंगे। आप बताइए आपकी सब्जी कैसे बनी, हमें मैसेजेस लीजिए, हमें ईमेल्स भेजिए, वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमें बताइए। ओम शांति। ओम शांति।